ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त, मायावती ने आज तक से खास बातचीत में नोटबंदी पर करारा वार किया है। उनका कहना है कि नोटबंदी सिर्फ अमीरों के लिए है और यूपी मोदी सरकार यूपी चुनाव को टालने का प्लान बना सकती है, इसका वो विरोध करेंगी। आज तक पर बोली बीएसपी प्रमुख मायावती। सीधे चलते हैं जावेद अंसारी, इस वक्त हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ हैं। जावेद साहब, ये यूपी चुनाव टालने का प्लान हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्या बताया? ये खतरा है, मायावती जी ने यह अंदेशा जताया है कि क्योंकि ये बैकफायर कर रहा है उनका है, ये वो डरते हैं कि डीमोनेटाइजेशन मूव जिससे गरीबों को बेहद तकलीफ़ हुई है और औरतों को बहुत तकलीफ़ हुई है, इसका इसके दुष्परिणाम होंगे, इसलिए इस चीज़ से निपटने के लिए यूपी के चुनाव को टाला जा सकता है, मायावती का ये अंदेशा है। उन्होंने ये भी जताया कि अगर ऐसा होता है तो इस बात को मुद्दा बनाएंगी, इसको इसका कड़ा विरोध करेंगी। मायावती को पूरा यकीन है कि ये मुद्दा केंद्र सरकार पे बैकफायर करेगा। उनका ये मानना है कि ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए के हक में है और अमीर लोग बाहर जाके ज़्यादा तादाद में वोट नहीं देते, गरीब जो गांव का किसान है, जो औरतें हैं, घरेलू औरतें जो पैसा बचा के रखती हैं, कि सबसे ज़्यादा मायावती जी का मानना है कि उनको तकलीफ पहुंची है और इसलिए बीजेपी अब घबरा कर चुनाव टालने की फिराक में।